विशेष तौर पर उपस्थित है सम्मानीय श्री गुरु में भगत जगत सिद्धार्थ जी गुरुदेव महाकाल गुरु माता अध्यक्ष जनपद पंचायत पाली सम्मानीय श्रीमती गुरुदेव भुवनेश्वर सिद्धार्थ जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ उड़ीसा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से आए हुए सभी मेरे आदिवासी समाज के भाइयों बहनों पदाधिकारी मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण मैं जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंची और ये सारा माहौल देखकर मुझे ऐसा लगा वास्तव में सही में बहुत ही अभिभूत हुई देखकर जीवन में पहली बार इस तरह के पर्व को देखा है और जिस तरीके से हमारे बौद्ध धर्म संस्कृति संरक्षण समिति द्वारा ये सावन पूर्णिमा के पावन अवसर पर जो कि एक राष्ट्रीय भोजनी महोत्सव जो कि शायद इस तरह का मैंने कभी कहा नहीं देखा जो आज मुझे यहाँ देखने को मिला है और आज मुझे यहाँ आकर बहुत ही खुशी भी हो रही है और इस लोक आस्था के पर्व पर भोजनी के इस दिवस पर आप सबको देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामना और आप सबका अभिनंदन है। आप साथ ही आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की भी बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ। आप सबको अभिनंदन करती हूँ। छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहाँ लोग जीवन हर एक विशेष अवसर त्योहार की भांति मनाता है। लोग जीवन से जुड़े त्योहारों के इंद्रधनुषी रथ शहर के लोगों में ऊर्जा का संचार करते हैं। यहाँ की लोक परंपरा त्योहारों को जीवंत बनाती है। भोजली पूरे छत्तीसगढ़ में उल्लास के साथ मनाया जाता है। भोजली अनंत काल से चली आ रही परंपरा और संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह मूलत है अन्न माता व प्रकृति की सेवा है। अंकुरित बीज के पल्लवी फूल की भोजनी माता के रूप में सेवा की जाती है। यह पर्व खुशी व हरियाली का प्रतीक भी माना जाता है। मुझे बताया गया है कि समिति द्वारा विगत 11 वर्षों से सावन मास पूर्णिमा के पावन अवसर पर राजधानी रायपुर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय भोजनी महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा। लेकिन 2 वर्ष का ऐसा संकट का समय था शायद आपने कभी जिंदगी में कल्पना किया था न सोचा था ऐसा वर्ष निकले जहां पर कोरोना के संकट काल से देश और दुनिया के लोग इससे प्रभावित हुए। मैं तो आप सब लोगों को यही कहूंगी कि आप हमारा जो आदिवासी समाज है वो प्राकृतिकवादी है, प्रकृति से लगाव